मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दुनिया में बढ़ती हुई अफरा तफरी, कैनेडियन फौज को गियर तब्दील करना होगा। कैनेडियन आर्मी चीफ की जानिब से फौज के नाम दस्तावेजात जारी, रूस और चीन को अहम खतरा करार दे दिया। कैनेडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द होने का इम्कान। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। पीर की रात से शहरी दर्जा हरारत में वाज़े कमी महसूस करेंगे। मैक्सिको से ताकतवर तूफान टकरा गया, 27 अफराद हलाक। साहिली इलाके में 9 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाबी रेले ने अपने रास्ते में आने वाली हर शह को तहस नहस करके रख दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada ke Chief of Defence Staff ka kehna hai ke badhti hui afra tafri wali duniya mein fauj ko gears ko tabdeel karna chahiye. Mazeed jaan lenge is report mein. कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि बढ़ती हुई अफरा तफरी वाली दुनिया में फौज को गियर्स को तब्दील करना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कनाडा के फौजी अरकान के नाम एक हालिया पैगाम में कहा है कि चीन और रूस तौसी पसंद ताकतें हैं जो जंग और अमन में फ़र्क नहीं करती, और ये दोनों रियासतें दुनिया की जमहूरियतों के लिए सबसे अहम खतरा हैं। जनरल वैन आयर ने कनाडा के मुसल्ला फौज के अरकान के लिए पैन डोमेन फोर्स एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक दस्तावेज जारी की है, जो उनके बकौल फौज के ऑपरेशंस को तब्दील करने की बुनियाद बनाएगी। आयर ने 45 सफहात पर मुश्तमिल दस्तावेज के पेशे लफ्ज में लिखा कि हम गहरी तब्दीली के वक्त में हैं। दुनिया सर्द जंग के खात्मे के बाद से किसी भी वक्त से ज्यादा अफरा तफरी और खतरनाक है। उन्होंने रूस और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मकसद कवायद पर मबनी बैन अल-अक़वामी तरतीब को दोबारा लिखना है और वो मुसल्लह तनाज़े की दहलीज से बिल्कुल नीचे काम करेंगे। आयर ने लिखा, CAF हर किस्म के गैर मुल्की और मुल्की बहरानों का जवाब देना जारी रखेगा, लेकिन हमारी वाज़े तरजीहात, डिटरनेंस, दिफा और अपने मुखालफीन की ज़ेली हद के इकदामात का मुकाबला करना है। उन्होंने इस तसव्वुर को मुसल्लह अफवाज में तब्दीली के महरिक के तौर पर बयान किया, जो कि एक मुहिम के तरीक़ाकार के नफाज की हिदायत करता है, और कहा कि बरसों के दौरान इसके वसी पैमाने पर असरात मुरतब होंगे। दस्तावेज में कहा गया है कि फौज बाज़ औक़ात दुश्मनाना कार्रवाइयों का जवाब देने में सुस्त रवि का मुजाहरा करती है, और इसमें कनाडा की हद से नीचे मुकाबला करने की सलाहियत को मजबूत बनाने का मुतालबा किया गया है। इसमें फौज से यह भी मुतालबा किया गया है कि वह अपनी कार्रवाइयों को तमाम जंगी जगहों के डोमेन्स, हवाई, ज़मीनी, समंदरी, खिलाई और साइबर में शुरू से ही मरबूत करे, बजाय इसके कि उन्हें एडहॉक तरीके से इकट्ठा किया जाए। फौज अभी भी विफाकी हुकूमत की जानिब से दिफाई पॉलिसी की ताज़ाकारी का इंतज़ार कर रही है, जो इब्तदाई तौर पर 2022 के मौसम खजा में जारी होने वाली थी। ये वाजे नहीं है कि पॉलिसी में ताखीर क्यों हुई और हुकूमत ने इसके इजरा के लिए कोई टाइमलाइन फराहम नहीं की। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला पीर की दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला पीर की दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। पीर की रात से शहरी दर्जा हरारत में वाज़े कमी महसूस करेंगे। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हफ्ते के रोज शहर में हल्की बूंदाबांदी,
का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 15 और रात के औकात में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार के रोज़ बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 7 और रात के औकात में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। पीर की रात से शहरी दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस करेंगे। समंदरी तूफान ऑर्ट्स शुमाली अमरीकी मुल्क मैक्सिको के साहिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में 27 अफराद हलाक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान ऑर्ट्स शुमाली अमरीकी मुल्क मैक्सिको के साहिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में 27 अफराद हलाक हो गए। इमदादी कामों के दौरान 27 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद कुछ रोज तक शहरियों को साहिल पर जाने से मना किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको में 270 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली समंदरी तूफान ऑर्ट्स ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। साहिली इलाके में 9 लाख अफराद मुतासिर हुए। सैलाबी रेले के अस्पताल में दाखिल होने के खदशे के पेश नज़र मरीजों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना पड़ा। तेज हवाओं के झकड़ के बाईस दरख्त उखड़ गए, घरों और होटलों की छतें उड़ गईं, जबकि तूफानी लहरें साहिल से रिहायशी इलाके में दाखिल हो गईं। सैलाबी रेले ने अपने रास्ते में आने वाली हर शह तहस नहस करके रख दिया। कई अफराद सैलाबी रेले में बह गए, तहाल 4 अफराद लापता हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।